वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का। लास्ट वीडियो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि एग्जैक्टली डाटा हैंडलिंग क्या होता है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है फाइंड द रेंज। क्या निकालना है आपको? रेंज निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेंज? हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को जब माइनस करोगे तो आपकी रेंज निकल आएगी। क्या किसकी रेंज निकालनी? हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स लेने हैं और उनकी क्या निकालनी है? हाइट से रेंज। जैसे हम 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी H, I एंड J, ठीक है, I एंड J, फाइन। अब A की हाइट हम सेंटीमीटर्स में लेंगे, हम फीट में नहीं लेंगे। हम ले लेते 126 सेंटीमीटर, B की हम ले लेते 145 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर्स में जाएंगे। C की हमने ले ली 220, D की हमने ले ली 110, देन 125, then 132, then 146, then 124, okay, then हमने I की ले ली 141, then हमने J की ले ली 124, ठीक है, ये सबकी हाइट सारी। अब हाइएस्ट कौन है? अगर आप देखो तो हाइएस्ट है 220 और लोवेस्ट सबसे कम क्या है? 110, ठीक है। तो अब 110 और 220 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 110 सेंटीमीटर्स में है जो भी। सो दिस इज योर रेंज, फाइन। तो आपको कोई भी, इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने कोई अपने अकॉर्डिंग कोई भी 10 बच्चों की हाइट्स लेनी, आप इनकी एबीसीडी की जगह किसी का भी नेम में लिख सकते हो, है ना, हाइट ऐसे लिख सकते हो। देन रेंज कैसे निकालोगे? हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, दैट विल बी योर रेंज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या दिए हुए हैं? मार्क्स, ठीक है, हमें दिए हुए हैं मार्क्स टेबुलर फॉर्म में। अब आप क्या कह रहे हैं टेबुलर फॉर्म में? इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जा रही है बार बार, ठीक है। फिट करने के लिए क्या बनाओगे? एनी मार्क बनाओगे और फ्रीक्वेंसी बनाओगे, राइट। अब मार्क्स देखे कितने कितने दिए हुए हैं? 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7, 8, 9, ये मार्क्स आपको गिवन है। अब 1 कितने टाइम्स है? 1 आपका 1 ही टाइम है, 2, 1, 2, 2 टाइम्स है, 3, 1, 1 टाइम है, 3, आप ऐसे कट कर लेना, सो इट विल बी मोर इजियर टू यू टू फाइंड द नंबर, ओके। 4, 1, 2, 3, 3 टाइम्स है 4, 5 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, राइट। 6 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स, ठीक है। 7, 1, 2 टाइम्स, 8, 1, only one time, 9, 1, only one time, ठीक है। सो ये हमारे निकल आए मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब टेली मार्क बनाते हैं, 1, 1, 2, 1, 3 है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4 and 5. आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ग्रुप्स बनाते हैं 5 का, 4, 2, 1 and 1. ठीक है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। अब उसके बाद कहते हैं विच नंबर इज हाईएस्ट। अब ये मार्क्स है, यही इसके नंबर है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा लग रहा है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से डेफिनेटली कौन है हाईएस्ट मार्क्स? 9। विच नंबर इज लोवेस्ट? लोवेस्ट मार्क्स कौन से है? 1। अब कह रहे व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या, कैसे निकालते हो आप? अगेन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट क्या है 9, लोवेस्ट क्या है 1, तो आंसर आ गया आपका 8। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन सब नंबर्स को प्लस करें, ठीक है। अब प्लस करेंगे,
फर्स्ट कैरी ओवर है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 ठीक है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 + 7 और टोटल क्या आएगा नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन याद है ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो ये हो जाएगा 20 ओके लेट्स ऐड 4 + 6 10 + 7 17 17 + 5 22 + 3 25 + 5 13 34 35 55 + 9 4 64 + 6 70 75 75 + 8 83 83 + 4 87 87 + 60 93 + 7 will be 100 so ya kya 100 by 20 0 se 0 cut kar sakte itni simplification humne sabne sikhi hai ab karenge longest term 2 1 2 2 5 10 so your answer is 5 kya nikal aaya ye me okay So, हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सब उसके आंसर्स निकाल दिए आई होप आपको आज की वीडियो समझ आएगी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय